sometimes you would cry on my shoulder. I was here all along trying to save her. You asked me to come back, but why not quarter right? Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that. Hi guys, this is Akhi Chaudhary. आज मैं हूँ उत्तराखंड के बैजनाथ धाम में, जहाँ पे एक झील है, बैजनाथ की झील जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और हमारा जो मंदिर है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से रास्ता गई हुई है और ये झील है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसे पहुँचते हैं और फिर मंदिर की लोकेशन आपको भी वहाँ पर दिखाते हैं। ये वहाँ से मैं यहाँ तक देख पा रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और ये बिल्कुल पास में मंदिर है, इधर देख लीजिए। और ये मैं आ गया हूँ मंदिर के पास में, ये है बैद्यनाथ मंदिर। तो फाइनली हम मंदिर आ गए हैं, और ये देख सकते हैं पीछे से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये नवी दसवीं का मंदिर है, और ये मंदिर एक रात में बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ से हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है, ये देख सकते हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये है त्रिशूल पर्वत। जी हाँ, त्रिशूल पर्वत, और इसके साथ में है हिमालय पर्वत। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आके बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा अंदर से जो फील हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है मन को, एक शांति अजीब सी मिल रही है। यहाँ आके बिल्कुल सारी टेंशन दूर हो जाती हैं। अगर आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आएंगे तो आपकी मन्नत आएगी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही हैं। बंदर भी यहाँ पे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बंदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जो इधर आप दिखा सकते हैं, इधर थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ये बैजनाथ है। और मैं जिस पे खड़ा हूँ, ये पुल है, ये ब्रिज प्लास्टिक का बना हुआ है और काफ़ी हिल रहा है, और अभी तो ये सारा बंद पड़ा हुआ है और ठंडी बहुत ज़्यादा है। और इधर आ सकते हैं, ये प्लास्टिक का है, जैसे आप उधर दिखा सकते हैं, इसके नीचे कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये एयर पे खड़ा हुआ है। और उधर दिखा सकते हैं, उधर ये बैजनाथ का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जैसा कि घंटी की आवाज़ आपको आ रही होगी। और ये बहुत ही अच्छा नेचर है उत्तराखंड में। Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you